So now the rule number 3 is when qx is equal to x raised to power m, then expand 1 upon fd in ascending powers of d using binomial theorem. For example, अगर इस question की बात करें, यहाँ x square है, तो ये इस category में fall करेगा. अब सबसे पहला काम है इस 1 upon fd वाले part को ascending powers of d में लिखना. That is, इसे हम लिख सकते हैं 1 upon 2 plus d square into x square. बिकॉज असेंडिंग पावर्स ऑफ डी मतलब डी रेस्ट पर 0, डी रेस्ट पर 1, डी रेस्ट पर 2 एंड सो, है ना. एंड वी नो दैट डी रेस्ट पर 0 इज 1, तो हमने इसे असेंडिंग पावर्स में लिख लिया. नाउ नेक्स्ट, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, पीछे बचा 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2, साथ में एक्स स्क्वायर. बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम सेज यहाँ फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, क्लियर. नाउ इसे लिख सकते हैं 1 बाय 2, 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2, यहां पावर 1 थी तो यहां पर ऊपर जाके माइनस 1, साथ में एक्स स्क्वायर. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, बट हमने ये देखना है बाइनोमियल एक्सपेंड कितने टर्म्स तक करनी है, क्योंकि बाइनोमियल में टर्म्स तो इनफाइनाइट होती हैं. अब यहां पर देखो, ये एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव हम कितनी बार कर सकते हैं, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x, सेकेंड टाइम 2, जब थर्ड टाइम करेंगे तो आंसर आएगा 0, और उसके बाद हम फोर्थ फिफ्थ जितनी मर्जी डेरिवेटिव कर लें, हमेशा इसने आंसर देना है 0. मतलब इसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 बार तक पॉसिबल है. तो इस बाइनोमियल थ्योरम को भी हम सिर्फ तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक पावर 2 रहेगी. जब पावर 2 से ज़्यादा एक्सीड करेगी तब हम बाइनोमियल को स्टॉप कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ बात करें, ये हमारा 1, ये x का काम करेगा ये वाला, है ना, तो इसे एक्सपेंड करते हैं. सबसे पहले 1 प्लस n हमें गिवन है माइनस 1 इंटू एक्स, दैट इज डी स्क्वायर अपॉन 2, प्लस नेक्स्ट टर्म जब लिखेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब इस वाले पार्ट का स्क्वायर, तो देख रहे हो यहां पर d की पावर 4 बन जाएगी. और हमें पता है जब d की पावर 4 को इससे ऑपरेट करेंगे आंसर क्या बनेगा, 0, इसलिए हम ये वाली टर्म अब नहीं लिखेंगे. और इसके बाद जब x क्यूब आएगा तब भी d की पावर कितनी बन जाएगी, 6, तो भी इसने आंसर 0 ही देना है. मतलब हमने बाइनोमियल को यहां पर ही स्टॉप कर देना है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे ज्यादा और अच्छे से समझ आएगा. नाउ इसे लिख सकते हैं 1 बाय 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2. अब इस एक्स स्क्वायर वाले पार्ट का 2 बार डेरिवेटिव, दैट इज पहली बार करेंगे 2x, सेकंड टाइम करेंगे 2, विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये आ गया हमारा इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल. इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह x आ जाता तो यहां तक तो सारा काम सेम चलना था. अब हमने देखना है एक्सपेंड कितनी टर्म्स तक करेंगे. नाउ x का डेरिवेटिव कितनी बार पॉसिबल है, सिर्फ एक टाइम, पहली बार डेरिवेटिव करेंगे 1, सेकंड टाइम करेंगे तो 0, मतलब सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव पॉसिबल है. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी d की पावर 1 दिखनी चाहिए. बट ध्यान से देखो, ये तो स्टार्ट ही d की पावर 2 से हो रहा है, तो हमने एक्सपेंशन टाइम इस टर्म को भी नहीं लिखेंगे. दैट इज इसका आंसर फिर आएगा इज इक्वल टू 1 बाय 2 1 इंटू एक्स. यही होता है हमारा इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि अगर हम डी स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर लिख भी देते तो डेरिवेटिव करने पर आंसर तो 0 ही देना था, तो लिखने का फायदा ही क्या. मतलब हमें समझ आना चाहिए कि बाइनोमियल हमें एक्सपेंड कहाँ तक करनी है. अब एक और क्वेश्चन की हेल्प से इसको अच्छे से समझते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 3 डी स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब सेम कैटेगरी. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज एफ डी को असेंडिंग पावर्स में लिखना, दैट इज 1 अपॉन डी प्लस 3 डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ बाइनोमियल कहती है फर्स्ट टर्म चाहिए 1, तो इस सारे में से d कॉमन निकालो, पीछे बचा 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट 1 अपॉन डी इसे ऊपर ले जाओ, दैट इज 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर इस सारे की पावर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर. फिर से बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो जहां जहां n है वहां माइनस 1 पुट कर दो, और x की जगह 3d प्लस डी स्क्वायर इस फॉर्मूले में, दैट इज 1 अपॉन डी 1 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, दैट इज 3d प्लस डी स्क्वायर प्लस
माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 3d प्लस जी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और बाहर एक्स स्क्वायर भी बढ़े। अब फिर से वही बात कि हम इसे एक्सपेंड कहां तक करें। ध्यान रखो यहां पर एक्स स्क्वायर है, आप में से कुछ तो समझ गए होंगे कि कहां तक एक्सपेंड करने। चलिए देखते हैं, 1 अपॉन d, 1 माइनस 3d माइनस डी स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस टू मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल, पीछे बचा 3d प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और बाहर पड़ा है एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन d, 1 माइनस 3d माइनस डी स्क्वायर प्लस, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म आएगी ए स्क्वायर दैट इज 9d स्क्वायर प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर आएगी d की पावर 4, बट हमारे पास तो एक्स स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 पावर तक पॉसिबल है, तो जब d की पावर 4 आएगी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर डेरिवेटिव 0 बनेगा, मतलब इसका स्क्वायर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2ab, जब 2ab करेंगे तो ये d इस d स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल पावर d क्यूब बनेगी, और हमें पता है d क्यूब को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर वो भी टर्म 0 बनेगी, मतलब 2ab वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये सोन वाली टर्म्स हैं, सोन वाली टर्म्स में यहां x क्यूब आना था, मतलब इस सारी टर्म का क्यूब आना था वहां पर क्यूबिंग करेंगे तो वहां पर भी a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब पावर्स d स्क्वायर से ज्यादा ही बनने वाली हैं, मतलब ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि इससे आगे पाइनोमियल एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आउटसाइड आ गया एक्स स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन d, 1 माइनस 3d एड ओके प्लस ए डी स्क्वायर आउटसाइड एक्स स्क्वायर। अब इस 1 बाई डी को अंतर मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1 बाई डी माइनस 3 प्लस 8d आउटसाइड एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाई डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8d इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ वी नो दैट 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे हमें मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x, तो फाइनली हमें हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 16x। क्लियर?